गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम जो है 2S BMS बैटरी बनाएंगे। तो हमने BMS लिया है और दो लिथियम सेल लिए हमने। ये जो BMS है ये होता है 8.4 वोल्ट BMS होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं इन दोनों सेलों को जो है वो आपस में ग्लू गन के थ्रू जो है वो जोड़ दूँगा और इसी के ऊपर हम जो है इसके बाद अपना BMS भी जो है इसी के ऊपर चिपका देंगे। देन आगे काम स्टार्ट करते हैं। अच्छे से ग्लू हमने लगा दिया है। अब जो है इस BMS को इसके ऊपर चिपका देते हैं। हमने सेलों को भी आपस में ज्वाइन कर दिया है और BMS को भी इसके साथ चिपका दिया। इस तरफ से भी सेल को जो है एक दफ़ा हम ग्लू लगा देते हैं ताकि ये सही से चिपक जाए। सोल्डिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं दो प्लस और माइनस जो है उसको आपस में सोल्व कर देंगे। और ये जो हमने सेल लगाई हमने सीरीज के अंदर इसको लगाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक प्लस और एक माइनस है। पहले हम इसको आपस में जो है वो जोड़ेंगे। अब हम एक वायर ले लेते हैं। ये हमने छोटा एक वायर लिया है। इसको जो है हम जो है वो सीरीज में जो है इसको सोल्ड कर देंगे। एक प्लस में और माइनस में एक साथ हमने इसको जो है हम सोल्डिंग कर देते हैं। इसको हमने जो है वो फोल्ड कर दिया। अब हम सेल को पलट के और दो वायर ले लेंगे। अब हम और दो वायरों में से हम जो है वो एक को पॉजिटिव में प्लस में और एक को नेगेटिव में जो फोल्ड कर देंगे। ये वायर जो हमने येलो वाला लिया इसको हम इसमें फोल्ड कर देंगे। ये एक और वायर है जो हमने लिया है इसको हम नेगेटिव के अंदर सोल्ड कर देंगे। माइनस में लगा देंगे। अब इन दोनों तारों को हमने जो है वो सोल्ड कर दिया है। अब हम जो है हमने एक तार और लिया है। इस तार को जो हमें पीछे जो हमने सोल्डिंग करी थी उसके अंदर जो हम जो है एक किसी भी एक के अंदर इसको जो है सोल्ड कर देंगे। ये जो होता है 3.7 सिंगल सेल के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमने इसको एक तार को जो है वो सोल्ड कर दिया। अब हमारे पास जो टोटल तार हो गए वो तीन तार हो गए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक को हमने जो है पीछे सोल्डिंग में होगा। अब जो येलो वाला तार जो है वो हम पॉजिटिव में लगा देंगे। हमारे पास एक और तार है इसको हम नेगेटिव के अंदर जो सोल्ड कर देंगे। हमारे पास ये तीसरा तार बचा है 3.7 का तार है जो मैंने असल में आपको बताया था। अब इसको जो है हम आगे आप जो देख रहे हैं कि जो BM लिखा हुआ है इसके अंदर हम इसको सोल्ड करेंगे। आमतौर पे जो और BMS होते हैं उसके अंदर यहाँ पर मेंशन होता है कि 3.7 लिखा हुआ होता है। तो इस BMS के ऊपर खाली BM लिखा हुआ है मगर हमारे पास ये तार था 3.7 का था इसलिए हमने इसको इस पर सोल्ड कर दिया। अब हमारा ये जो तार है ये भी सोल्ड हो गया है। अब जो हमारे पास ये दो पॉइंट दिए हुए हैं अब जो हमारे पास ये दो पॉइंट हैं
इन दो, ये हमारा आउटपुट है, इन दो आउटपुट के ऊपर हम अपना करंट चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसके दो तारों को सोल्ड कर लेंगे और फिर चेक कर लेंगे अपने। जैसा कि आप देख रहे हैं करंट शो कर रहा है 7.71। अब जो है हम इसके ऊपर अपने दोनों दो तारों को सोल्ड कर लेते हैं। ये दोनों वायर जो हमने वो सोल्ड कर दिए, अब हम बैटरी को चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं करंट शो कर रहा है 7.7। अब जो है हम हमारी बैटरी जो है कम्प्लीट हो गई है, मगर ये इसकी चार्जिंग इसका थोड़ी कम है। अब हम बैटरी को चार्ज कर लेते हैं और फिर आपको जो आप इसको चार्ज कर लेंगे तो आपको ये 8.4 जो है वो वोल्ट दे देगी करंट, ठीक है। आप इसको 9 वोल्ट के चार्जर से जो है इस बैटरी को इजीली चार्ज कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर टेपिंग कर देते हैं ताकि ये हिले झुले नहीं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच।